तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सैमसंग गैलेक्सी यूज़र हर कोई यूज़र उसके बारे में जानना चाहता है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डिवाइस पे OneUI 6.0 का अपडेट आने वाला है। और एक क्वेश्चन वो है कि सैमसंग A52s में ये अपडेट आएगा या नहीं आएगा, सब आपको मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलाएंगे दोबारा तो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ OneUI 6.0 के अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको बता होगा OneUI 6.0 जो अपडेट आने वाला है वो एंड्रॉयड 14 के बेस में होने वाला है। मतलब कि OneUI 6.0 जिसमें अपडेट आएगा उसमें एंड्रॉयड 14 डेफिनेटली होने वाला है। और एक चीज़ बता दूँ, OneUI 6.0 है बहुत जल्दी इसका बीटा वर्जन लॉन्च होने वाला है। और ये कुछ कुछ गैलेक्सी डिवाइसेस पे इसका बीटा वर्जन का साइनअप भी चालू हो चुका है। पहले ब्राज़ील और दूसरी कंट्रीज़ में था, अभी रिसेंटली इंडिया में भी चालू हुआ है। और आपको बता दूँ ये फाइनल वर्जन कब रोल आउट होगा, जब हैंडसेट नए लॉन्च होते हैं, सैमसंग के नए हैंडसेट लॉन्च होंगे सितंबर में मे बी लॉन्च होते हैं, तो उसमें ये वहाँ पर नया लॉन्च हो जाएगा और सभी जो लेटेस्ट मॉडल में सब में ये प्री इंस्टॉल आएगा। यहाँ पर आपको बात करें कि कौन कौन से डिवाइस में अपडेट आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा गैलेक्सी की फोल्ड सीरीज या बोल सकते हैं जेड सीरीज, उसमें तो अपडेट आएगा ही आएगा। अब उसमें कौन कौन से हैंडसेट में अपडेट आने वाला है, गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 में आएगा, गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 में आएगा, गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 और फ्लिप 3 में भी आएगा। अब एस सीरीज की बात करें तो एस सीरीज में S23 की पूरी सीरीज में आएगा, लाइक अल्ट्रा, S23 Plus, S23 इनमें सब में आने वाला है। और ऐसे ही S22 की तीनों सीरीज में आएगा, S22, S22 Ultra, S22 Plus में। और S21 वाली सीरीज में भी ये अपडेट आएगा, S22 1FE, S21 Ultra, S22 1 Plus और S21। S20 में अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं आने वाला। और जो मैं अभी आपको डिवाइसेस के लिस्ट बताने वाला हूँ, ये मैं ऑफिशियली लिस्ट नहीं है सैमसंग की तरफ से, बट ये इन अब मोबाइल में बिल्कुल अपडेट्स आएगा ही आएगा। इसके बाद थोड़ा वो ऊपर नीचे शायद हो सकता है। उसके बाद बात करें ए सीरीज में, तो ए सीरीज में A73, A72, A54, A53, A52, A52 5G, 5S इसमें भी अपडेट आएगा, A34, A33, A24, A23, A14, गैलेक्सी A13, गैलेक्सी A04। अब इसमें कुछ ए सीरीज मुझे ऐसी लग रही है उनमें अपडेट नहीं आएगा, बिकॉज CDCC पॉलिसी में आपको बता दूं किन किन डिवाइस में आप खुद ही अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जो डिवाइस 4 साल पहले लॉन्च हो चुका है या फिर बोल सकते हैं जिसमें 4 अपडेट आ चुके हैं, जैसे कि मान लो सैमसंग A30s लॉन्च हुआ था Android 10 में, Android 10 आने गया तो उसमें Android 11 आ गया, Android 12 आ गया, Android 13 आ गया, मतलब कि 4 अपडेट उसके अंदर हो चुके। तो सैमसंग गैलेक्सी यूजर ने सैमसंग ने पहले ही कहा रखा था कि हम 4 अपडेट मेजर अपडेट देंगे और उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे कि 30s में नहीं आने वाला, ऐसे ही अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें 4 मेजर अपडेट आ चुके हैं या 4 एंड्रॉयड अपडेट आ चुके हैं, तो वो आपके मोबाइल में आने के चांसेस अपडेट नहीं है, आप उससे भी अब अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद आएंगे एम सीरीज में, M54, M34 5G, M14, M53 5G, M33 5G और M23। और एफ सीरीज में बात करें तो F54, F23, F14 5G और टैब S8 अल्ट्रा, टैब S8 प्लस और टैब S8। तो इन डिवाइस में तो डेफिनेटली अपडेट आने ही वाला है। और अगर आपका डिवाइस 4 साल से पहले या फिर 4 मेजर अपडेट आ चुके हैं तो मे भी आपके मोबाइल में अपडेट नहीं आए। और उसके बाद जैसा कि मेरा सेकंड क्वेश्चन था या सेकंड मेरा टॉपिक था कि सैमसंग A52s में ये अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों सैमसंग A52s में डेफिनेटली अपडेट आने वाला है, बिकॉज सैमसंग A52s लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 11 के साथ, तो एंड्रॉयड 11 के साथ एंड्रॉयड 12 आया, मतलब कि OneUI 4 आया, फिर एंड्रॉयड 13 आया, OneUI 5 पॉइंट, अब एंड्रॉयड 14 भी OneUI 6 आएगा। तो 6 इसका लास्ट अपडेट होगा और उसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा एंड्रॉयड रिलेटेड, बस सिक्योरिटी अपडेट इसमें आते रहेंगे जो भी उनकी पॉलिसी रहेगी जिस टाइम पे, मतलब कि लास्ट ये एंड्रॉयड 14 पे अपडेट होगा, आपका लास्ट अपडेट आएगा A52s 5G में एंड्रॉयड 14 का। दोस्तों यही नया अपडेट्स आई, यही जो मेरे पास न्यूज़ आई थी मुझे बताना लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सर्च मारते हैं तो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद।